फ्रेंड्स वेलकम अगेन. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3 फ्रॉम दी 17 क्वेश्चन. इसके 16 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी 17. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 4. एक लाइन हमें गिवन है, एक पैराबोला गिवन है. वहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन. पैराबोला और लाइन के बीच में जो भी रीजन बनेगा उसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x है. तो ये किस टाइप का पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है. विच इज ए राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0. और जो एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग बनाते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को. ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट है हमारी 0 to 4. ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x हमने यहाँ पे एक जिसका वर्टेक्स 0 यानी कि 0 0 से ये पास हो रहा है, x इक्वल टू 4. तो बाउंडेड रीजन हमारा ये वाला आ गया जो यहाँ पे सेडेड है. ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ ओ बी सी ओ, ये कम्प्लीट एरिया. और लिमिट है यहाँ पे 0 to 4, ये x की लिमिट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, y dx. y किसके इक्वल है, 4 root x. यहाँ पे एरिया आ गया. और ये ट्वाइस क्यों लिया है हमने, देखो इसमें एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे है, नेगेटिव वाला पार्ट भी है और पॉजिटिव भी, क्योंकि इसमें कह नहीं रखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया आना चाहिए या अबाउ x एक्सिस आना चाहिए. तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट हमारे क्या हो गए, ट्वाइस 0 to 4, 4 root x dx. यहाँ पे x की पावर 1/2 है, देन इंटीग्रेशन क्या हो गया, रूट एक्स का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ गया, x की पावर 3/2 और 3/2 से नीचे ही हमने डिवाइड किया. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पावर 3/2 है, कैंसल आउट, 2 का क्यूब 8, माइनस में 0. आंसर कितना आ गया, एरिया रिक्वायर्ड हमारा 128/3 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड एरिया. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला. अब की बार पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा पैराबोला है हमारा, अपवर्ड पैराबोला है. इसका वर्टेक्स क्या है, एक्सिस किसके अलोंग होगा यहाँ पे, y एक्सिस के अलोंग. ठीक है, क्योंकि ये कौन सा पैराबोला है हमारा, अपवर्ड पैराबोला है. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. यहाँ जो ये कर्व है ये कंटेन्स ओनली इवन पावर ऑफ x, तो ये किसके सिमेट्रिक होगा, वाई के. रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ओ ए सी ओ. ठीक है, ये हमारा कम्प्लीट, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि ये इधर वाला पार्ट भी है इधर वाला, ट्वाइस. और लिमिट क्या है, ये हमारी वाई की लिमिट, वाई इक्वल टू 4 दे रखा है, 0 to 4. तो यहाँ पे एक्स डीवाई आएगा, एक्स किसके इक्वल आ गया, रूट वाई की. रूट वाई का इंटीग्रेशन वाई के पावर 3/2/3/2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 32/3 स्क्वायर यूनिट्स. तो बिल्कुल इजी था, एक हमें लाइन गिवन थी एक हमें पैराबोला गिवन था, दोनों के बीच का रीजन हमें उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो वहां पे वो ट्वाइस हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं, ऐसे यहाँ पे राइट हैंडेड में अबो एक्स एक्सिस और बिलो एक्सिस, तो यहाँ पे एरिया को हमें ट्वाइस लेना है. नेक्स्ट करते हैं हम 18. फाइंड द एरिया बाउंडेड द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स 0. अब की बार हमें इलिप्स गिवन है. ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये सिमेट्रिकल होगा बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये फॉर्म हो जाएगी हमारी. ठीक है, तो यहां से मैंने वाई की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर. एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू 0. एक्स इक्वल टू ए एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, विच कर्स x एक्सिस एट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर ए 0 पॉइंट के ऊपर. यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए ओ ई डी सी बी ए, ये कम्प्लीट एरिया होगा हमारा. एक ही हमारी लाइन हो गई x इक्वल टू ए और यहाँ पे ये इलिप्स के बीच का एरिया, ट्वाइस 0 to a. लिमिट क्या है, 0 to a y dx. y की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. यहाँ पे देखो ये y ग्रेटर देन 0 है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्लस माइनस थी, तो यहाँ पे हम इसको प्लस लेके चलेंगे. ठीक है, ओनली प्लस लेके चलेंगे, b बाई ए
ये कॉन्स्टेंट टर्म है ये बाहर निकाल दी, जीरो टू ए ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका जो इंटीग्रेशन होता है एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, अब बी बाई ए अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे ए पुट कर दिया, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई प्लस में ए स्केयर साइन इनवर्स ए बाई ए, ठीक है। कैंसल आउट करने पे बी बाई ये बन गया, यहां से ए स्केयर रूट के अंदर कॉमन आएगा वन माइनस ई स्केयर, रूट से बाहर आके ए बन जाएगा, ए स्केयर ई अंडर रूट वन माइनस ई स्केयर प्लस ए स्केयर साइन इनवर्स ई, एरिया आ गया ए बी इंटू में ई इंटू अंडर रूट वन माइनस ई स्केयर प्लस साइन इनवर्स ई। थोड़ा सा लेंथी है ये आंसर हमारा, ये जो एरिया है वो क्या है हमारा स्केयर यूनिट्स के अंदर, ए बी इंटू ई ए बी फिर ब्रैकेट ई इंटू अंडर रूट वन माइनस ई स्केयर प्लस में साइन इनवर्स ई स्केयर यूनिट्स। इलिप्स का और द और ऑर्डिनेट्स थे एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू जीरो, इनके बीच का जो रीजन है वो उसका एरिया आया है ये हमारा। नेक्स्ट करते हैं 19, सो दैट द रीजन एक्स वाई फोर एक्स स्केयर प्लस में नाइन वाई स्केयर इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 36 से डिवाइड करके क्या बना लेंगे, ये इलिप्स की इक्वेशन, ठीक है। एरिया बताना है यूजिंग इंटीग्रेशन, एक्स स्केयर 36 से इधर क्या होता है एक्स स्केयर बाई ए स्केयर वाई स्केयर बाई बी स्केयर इक्वल टू वन, 36 से डिवाइड किया, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 का स्केयर यानी कि 3 बन गया, बी का स्केयर यहाँ पे बी की वैल्यू 2, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो गया यहाँ पे 2a 2 इंटू में 3 क्योंकि 2a होता है ये 2 इंटू में 3, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2b होता है 2 इंटू में 2 दैट इज 4। इलिप्स इज सिमेट्रिकल बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एरिया क्या हो गया ये हमारा इलिप्स है, ठीक है। यहाँ पे जो b की वैल्यू है अलोंग y एक्सिस और जो a होता है वो अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ पे ये a की वैल्यू हमारी 3 थी तो ये पॉइंट आ गया 30, ये पॉइंट क्या आ गया 02, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन आ गया, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि ये 4 पार्ट्स होंगे ये हमारे, 4 इंटू एरिया ऑफ द इलिप्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल एरिया बताना है इसका एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। एरिया ऑफ द इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए सी ओ बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स जीरो एंड एक्स थ्री, एक्स जीरो और एक्स थ्री, इस फर्स्ट का निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट एरिया निकल के आ जाएगा 4 इंटू लिमिट है हमारी 0 टू 3 वाई डीएक्स, यहां से वाई की वैल्यू निकाली हमने प्लस माइनस 2 बाई 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे यानी कि 2 बाई 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 टू 3 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया यहाँ पे 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड आउट किया है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कंप्लीट इलिप्स का एरिया यहाँ से फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम 20, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई स्केयर इक्वल टू 4ax एंड द लाइन वाई इक्वल टू 2a एंड वाई एक्सिस। वाई स्केयर इक्वल टू 4ax किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, राइट हैंडेड पैराबोला है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होता है क्योंकि यहाँ पे ओनली इवन पावर्स एक्स की, सॉरी इट कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ ए वाई सो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे क्या हो गया ओ ए बी ओ, एक लाइन थी वाई इक्वल टू 2a, लाइन कौन सी लेनी है वाई इक्वल टू 2a, तो रिक्वायर्ड रीजन इस लाइन के और पैराबोला के बीच में यही हो गया, ठीक है, एंड एट द लाइन वाई इक्वल टू 2a, तो यहां से लिमिट बन गई हमारी 0 टू 2a, y की लिमिट है तो यहाँ पे x आएगा x dy, x की वैल्यू यहाँ से वाई स्केयर बाई 4a इंटू वी dy, y की वैल्यू ली है विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1/4a कॉन्स्टेंट y क्यूब बाई 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एरिया क्या आ गया इन इनके बीच का वाई स्केयर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू 4a, उनके बीच का जो एरिया है 2a स्केयर बाई 3 स्केयर यूनिट, 2a square by 3 square units is the required area. Next करते हैं 21. Find the area bounded by the curve y square equal to 4a square x minus में 3 and the lines x equal to 3
y इक्वल टू 4a, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर x माइनस 3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक राइट हैंडेड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 3 और 0 है। आपके बार 0 0 नहीं है, 3 और 0 है। एक्सिस किसके अलोंग है? x एक्सिस। फिर दे रखा है x इक्वल टू 3 एक लाइन है पैरेलल टू x इक्वल टू 3 एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एट ए पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। ऐसे ही y इक्वल टू 4a है, y इक्वल टू 4a है, ये एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4a यूनिट्स फ्रॉम इट। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? अगर हम इस कंप्लीट एरिया में से इसका एरिया माइनस कर दे तो ये जो साइडेड दिख रहा है ये निकल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ए सी बी ए, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया तो हमारे यही है ए सी बी ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे? इस कंप्लीट में से इसका एरिया हम माइनस करेंगे तो यही बन जाएगा ओ ए बी सी डी ओ। इस कंप्लीट एरिया में से हम किसका माइनस कर दे? ओ ए सी डी ओ, ठीक है। लिमिट है यहाँ पे 0 टू 4a, 0 टू 4a x ऑफ पैराबोला इंटू मिडी y, हमने y की लिमिट ली है विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस में इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। ये भी क्या है? 0 टू 4a x ऑफ द लाइन, इस लाइन के अंदर है x ऑफ द लाइन ए सी इंटू मिडी y, x ऑफ पैराबोला यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे y स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस में 3 x की वैल्यू इंटू मिडी y, x ऑफ लाइन ये क्या है x इक्वल टू 3 था, ठीक है। तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे इंटीग्रेशन, इसका आ गया वाई क्यूब बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, वाई क्यूब बाई 3 आएगा नीचे और 3 इंटू में 4a स्क्वायर 12a स्क्वायर बन गया प्लस में 3y 0 टू 4a माइनस में 3y 0 टू 4a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या आ गया 16a अपॉन में 3 स्क्वायर। बस आपको इसके अंदर मेन पॉइंट्स यही ध्यान रखना था कि इस कंप्लीट एरिया में से अगर हम इसका माइनस करेंगे तभी हमारे पास इस साइडेड पार्ट का एरिया बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? कंप्लीट हमारा एक्स ऑफ द पैराबोला इनटू मिडी वाई और लिमिट है 0 टू 4a। ऐसे यहाँ पे इस लाइन का एरिया निकालेंगे यानी कि एक्स ऑफ द लाइन ए सी इंटू में डी वाई, एरिया आ गया रिक्वायर्ड 16a अपॉन में 3 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं 22। स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू अंडर सॉरी मॉडुलस x माइनस में 5। y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 हमें गिवन है, इवेलुएट करना है 0 टू 1 x माइनस 5 dx। व्हाट डज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे भी इसको रिप्रेजेंट करना है। y इक्वल टू मोड x माइनस 5 है तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर x की जगह पे ये नेगेटिव देगा, मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे टेबल में, अगर एक्स यहाँ पे 0 है तो वाई 5 आ गया, एक्स की 1 बाई 4 पुट करेंगे वाई 19 बाई 4, 1 बाई 2 पुट करने पे वाई की 9 बाई 2, 1 पुट करने पे वाई 4। इन्हें इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, उसको हम ज्वाइन करेंगे और ये क्या है हमारी, ये लाइन एक्स इक्वल टू 1 है तो ये हमारी लाइन आएगी रिक्वायर्ड रीजन 0 टू 5, 0 टू 5, ठीक है, y की ये लिमिट। तो यहाँ पे 0 टू 1 हमें इसका जो रिक्वायर्ड रीजन है 0 टू 1 और ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है माइनस ऑफ x माइनस में 5 इंटू में dx। इंटीग्रेशन किया 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू 1, इसका जो एरिया है वो निकल के कितना आ गया 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना था तो इस तरह से हमने पॉइंट्स लेके ग्राफ इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया और इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया 9 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट करते हैं 23 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 23। स्केच द ग्राफ ऑफ एफ एक्स मॉडुलस x माइनस 2 प्लस में 2 x लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 2 है, हमें इवेलुएट करना है 0 टू 4 एफ एक्स डी एक्स। What does the value of this integral represent on the graph? ग्राफ पे भी इसको रिप्रेजेंट करना है, एफ एक्स ये है लेस देन इक्वल टू 1 पे, यानी कि अगर हम x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस एक्स प्लस में 2, माइनस माइनस ये प्लस हो गया प्लस में 2, यानी कि फंक्शन बन गया x लेस देन इक्वल टू 2 पे 4 माइनस एक्स, ग्रेटर देन 2 पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 2। अब हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे फंक्शन के अंदर,
एक बार लेस देन इक्वल टू टू कुछ वैल्यू पुट कर लेंगे, एक बार ग्रेटर देन टू, तब हमारा एफ एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इनको हमें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करके हमें उनको क्या करना है, फिर ज्वाइन करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है हमारा, 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या है, पहले ये 2 पे ब्रेक हो रहा है, 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, 2 टू 4 एफ एक्स डी एक्स। 0 टू 2 हमारा फंक्शन क्या है, 4 माइनस एक्स, और यहाँ पे 2 टू 4 में फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 2। इंटीग्रेशन किया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू 2, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x, 2 टू 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों में। इसको सिंप्लीफाई करने पे जो रिक्वायर्ड एरिया है 62/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बिल्कुल इजी था, बस हमें ये देखना था कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। 4 माइनस एक्स बन गया लेस देन इक्वल टू 2 पे, ग्रेटर देन 2 पे ये है। अब 0 टू 2, 2 टू 4 एफ एक्स डी एक्स है, तो एरिया हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, 62/3 स्क्वायर यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड एरिया। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.3 जो कम्प्लीट हो गई। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 10.4 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स बुक। थैंक्स एवरीवन।